हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पकड़े गए बदमाश की मौत की अफवाह पर थाने पहुंचे ग्रामीण। गुरुवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा था, हुआ था घायल धनारी। मुठभेड़ और पकड़े गए बदमाश कर की मौत की अफवाह पर शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण थाने पर पहुंच गए। इससे पुलिस और खलबली मच गई। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक और सीओ भी थाने पहुंच गए। उन्होंने एक ग्रामीण की बदमाश से बात कराई, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और हमें घर चले गए। गुरुवार की रात मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी बदमाश राकेश यादव को हिरासत और लिया था। इस दौरान पुलिस की गोली से वह घायल हो गया था। मुठभेड़ और थानाध्यक्ष और एक दारोगा भी गोली लगने से घायल हो गए थे। शनिवार की सुबह अफवाह उड़ी कि पकड़ा गया इनामी बदमाश राकेश पुत्र महेंद्र की मौत हो गई है। ग्रामीणों और हड़कंप मच गया। सैकड़ों ग्रामीण थाना गेट पर एकत्र हो गए, मृतक बदमाश का शव मांगने लगे। ग्रामीणों का आक्रोश देख थानाध्यक्ष ने अधिकारियों को सूचना दी। एसपी पंकज कुमार पांडेय व सीओ सुदेश कुमार थाने पहुंचे। ग्रामीणों की भीड़ से एक ग्रामीण की बात पकड़े गए बदमाश से कराने पर शांत हो गए और हमें घरों को चल गए। एसआई लईक अहमद ने बताया कि पकड़े गए बदमाश ने कई और लोगों के नामों को उजागर किया है कि लोगों ने कोर्ट और हाजिर होने से मना कर दिया था। उन्हीं लोगों ने झूठी अफवाह उड़ा दी, जिससे माहौल बिगड़ जाए। मुठभेड़ और घायल बदमाश का बदायूं के जिला अस्पताल और चल रहा है। पुलिस अफवाह फैलाने वाले की तलाश कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।